जी हाँ दोस्तों, मरते दम तक नहीं होगा बवासीर, बस इसका खाने की तरीका जान लो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चने का फायदा बताने वाला हूँ। चना शरीर में ताकत लाने वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, और दोस्तों ये बहुत सारे आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, सूखे भुने हुए चने बहुत ही अच्छा होता है, वात और कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। और उबले हुए चने कोमल रुचिकारक, पित्त का नाश करने वाला, शुक्र नाश करने वाला, शीतल प्रदान करने वाला और वात रोग के लिए काफी हितकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, ये है चने। चने का प्रयोग कच्ची अवस्था और सूखी अवस्था दोनों में किया जाता है। इसे हिंदी में चने के नाम से जानते हैं, संस्कृत में इसे चड़क नाम से जानते हैं या हरी मथा के नाम से जानते हैं, बंगाली में इसे छोलार गाक्ष के नाम से जानते हैं, मराठी में चणे और गुजराती में चणा के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे ग्राम के नाम से जाना जाता है। चना का जो रंग होता है लाल, पीला और भूरे रंग का होता है। इसका स्वाद होता है फीका होता है, और स्वरूप चना एक बहुत ही प्रसिद्ध अनाज है दोस्तों, और इसका जो स्वभाव होता है गर्मा होता है। फिर भी दोस्तों ये बवासीर की बीमारी का नामोनिशान तक मिटा देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दोस्तों से बार बार निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाए जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से फायदा हमें पहुंचाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर की बीमारी को ठीक करने के लिए इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला है जुकाम दूर करने के लिए 50 ग्राम भुने हुए चने को एक कपड़े में बांध करके पोटली बना ले, और इस पोटली को हल्का सा गर्म करके नाक पर लगा करके सूंघने से बंद नाक खुल करके आ जाती है और सांस लेने में परेशानियां हो रही वह दूर हो जाती है। इसके साथ ही कब्जा को दूर करते हैं मित्रों। एक या दो मुट्ठी चने को धो करके रात को भिगा दें, सुबह जीरा और सौंठ को पीस करके चने पर डाल करके खाएं, और घंटे भर बाद आपको चने भिगोए हुए पानी को भी पीना चाहिए, इससे कब्जा दूर हो जाते हैं। रूसी दूर करने के लिए 4 बड़े चम्मच चने का बेसन 1 बड़े गिलास पानी में घोल करके बालों पर लगाने से, इसके बाद सिर को धो लेने से सिर के जो फरास होता है यानी कि जो रूसी होता है वह दूर हो जाती है। इसके बाद मित्रों वीरक का पतलापन, जी हाँ, एक मुट्ठी सीके हुए चने या भीगे हुए चने और 5 बादाम खा करके दूध पीने से वीरक का पतलापन दूर हो जाते हैं, वीरक गढ़ा हो जाते हैं। इसके बाद बवासीर दूर करने के लिए, जी हाँ, खूनी बवासीर दूर करने के लिए सेके हुए गर्म गर्म चना खाने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, खूनी बवासीर अगर खून ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो सेके हुए गर्म चने खाने से तत्कालिक रूप से फायदा मिलता है, तत्काल इसका रिजल्ट मिलता है, खूनी बवासीर रुक जाता है। बवासीर दूर करने के लिए दुनिया में इससे सरल उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुट्ठी भर 2 मुट्ठी चने खाने तो खूनी बवासीर बंद हो जाते, तुरंत खून निकलना बंद हो जाते हैं। शरीर में दर्द है, कमर में, हाथ पैर में, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहे हो उस जगह पर बेसन डाल करके रोजाना मालिश करें। एक बार मालिश करने से, बिल्कुल ही दोस्तों दोबारा मालिश करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो एक बार ही मालिश करने से आराम मिल जाएंगे, और इस बेसन का प्रयोग दोबारा मालिश करने में कर सकते हैं। जिस भी अंग में दर्द होते हैं तो बेसन से मालिश करें, बिल्कुल ही मालिश करने से तुरंत दर्द दूर हो जाते हैं। धातु पुष्टि करने के लिए भी भीगवी चने की दाल में शक्कर मिला करके रात को सोते समय खाने से धातु पुष्टि होती है, इसे खा करके पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये थे चने से मिलने वाले गजब के फायदे, जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।